मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस होता है और जो प्रोडक्ट सूख जाता है, अच्छे से सूख जाता है, तो उसको किस तरह से पैकिंग किया जाता है। तो अभी ये देख पा रहे हैं कि जैसे चैम्बर में माल लगा हुआ था, कम्प्लीटली ये सूख गया है, इसको निकाल करके बराबर कटिंग किया जाएगा और फिर साइज बाई साइज पैक किया जाएगा। अब पैकिंग के लिए जो पैकिंग यूज किया जाता है, हर जगह का अलग अलग डिमांड होता है, तो आप अपने मार्केट में अपने डिमांड के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने फैक्ट्री में इस तरह से सेटअप बना सकते हैं जो कटिंग करके आसानी से कटिंग कर सकते हैं और इसको पैक कर सकते हैं। ये मैन्युअली कटिंग करने का बेस्ट तरीका है, जिससे नुकसान कम होता है और कटिंग प्रॉपर होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये लगभग 10 केजी से भी ज़्यादा माल है और ये महज 1 से 1.5 मिनट के अंदर कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह का स्टेप बना सकते हैं और अपने फैक्ट्री के अंदर इस तरह से काम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि पैकिंग का कार्य कितने आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से पैकिंग का काम किया जाता है। और इस चैनल पे बिजनेस संबंधित और नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे अपलोड किया गया है और आगे भी बिजनेस संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़ जाइए फटाफट से। अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाइए। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से पैकिंग काम किया जा रहा है। अभी ये पैकिंग भी दो तरह का किया जाता है, जैसे गत्ता में किया जाता है और ये प्लास्टिक बोरी देख रहे हैं आप, उसमें किया जाता है। प्लास्टिक बोरी में पैक करके मशीन को सिलाई कर दिया जाता है और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। गत्ता में भी पैक किया जाता है। जैसे जैसे मार्केट से ऑर्डर आता है, ऑर्डर रहता है, डिमांड रहता है, उस तरह से काम किया जाता है। तो इस तरह से आप भी अपने फैक्ट्री के अंदर इस तरह से काम आसानी से कर सकते हैं और अपने वर्कर्स को सेटल कर सकते हैं और काम करने के तरीके को बता करके इस तरह से अपना काम निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, तो बिजनेस संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए और चैनल पर विजिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।